27 दिसंबर के ईश्वरीवदन में आप सबका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सारी चीज़ें हमारे आजू बाजू हैं, फैसिलिटीज जिनको हम कहते हैं, पदार्थ कहें, वस्तुएं कहें, क्या हम इन पर बहुत डिपेंडेंट हो चुके हैं? इतने डिपेंडेंट हो गए कि अगर कोई चीज़ काम करना बंद कर दे तो हमें इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आ जाता है, या हम किसी और के पास में ज़्यादा फैसिलिटीज देख करके कभी कभी जेलस हो जाते हैं कि आपके साथ में ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर ये होती हैं इसका मतलब वो चीज़ें आपके मन बुद्धि को कंट्रोल कर रही हैं, जिसको कहा जाता है कि तत्व जो है वो मन के ऊपर राज कर रहा है, जिसको कहा जाता है कि मैटर ओवर द माइंड। तो परमात्मा कहते हैं कि आपके अंदर इतनी शक्ति है अट्रैक्शन की, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है, एग्जैक्टली सिंप्लिसिटी ये एक सीक्रेट है, जब आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, जब आप कहते हो कि मैं संतुष्ट हूँ, मेरे पास सब कुछ है, आई एम सेटिस्फाइड, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें आपके पास में आती हैं। लेकिन जब आप कहते हो मुझे ये चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसे भी चाहिए, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सोचते हैं कि मांगो मांगो मांगो, परमात्मा कहते हैं मांगने वाले ही भिखारी होते हैं और उनके पास में कभी होता नहीं है। तो इसलिए परमात्मा हमें एक राज बता रहे हैं आज, वो राज, क्योंकि परमात्मा को क्या कुछ चाहिए? उनको कुछ ना चाहते हुए भी सब कुछ, तीनों के तीनों लोक उनके हैं, तो क्या ताकत है उनके पास में? ये राज क्या है? उनको कुछ नहीं चाहिए। क्या हम उनकी औलाद कहें, बच्चे कहें, एक आत्मा के स्वरूप में, प्रकाश के स्वरूप में, शरीर के स्वरूप में नहीं, अगर हम उनकी औलाद हैं, अगर हम उनके बच्चे हैं, अगर उनकी रचना है, तो क्या हमारे अंदर भी वो फीलिंग्स होनी चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए एक्चुअली? और ये शक्ति जब हमारे अंदर आ जाए कि मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, तो सारी चीज़ें मेरे पास में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तब फोकस जाता है कि मैं दे क्या सकता हूँ इस दुनिया को, मैं आत्मा इस दुनिया को दे क्या सकता हूँ, दे क्या सकती हूँ। तो जब हम ये सोचते हैं कि हम दे क्या सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली पांच तत्व बोलते हैं, अगर आप परमात्मा के अनुसार कुछ देना चाहेंगे, अगर आप लॉस के अनुसार कुछ देना चाहेंगे जिसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, तो ऑटोमेटिकली मैं आपके सहयोग में उपस्थित हूँ। पांच तत्वों की फीलिंग्स हैं, लेकिन क्या हम इन फीलिंग्स को पहचानते हैं? इसी की चीज़ बारे में आज हम समझेंगे यहाँ पे इस वरदान में। देखें, परमात्मा के शुभ, उनके ही शुभ वचनों में, महावाक्यों में परमात्मा कहते हैं, परमात्मा पिता कहते हैं कि साधन व सैल्वेशन, सैल्वेशन होगी फैसिलिटीज, साधन होगी गाड़ी बंगला चीज होगी, ये मोबाइल फोन भी सैल्वेशन है, ये जो लाइट है ये भी सैल्वेशन है, नियत मेरे पास में जो लैपटॉप है ये भी सैल्वेशन है, ये चीजें वस्तुएं हैं, साधन है ये सारी चीजें। तो परमात्मा कहते हैं कि साधन व सैल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले, ये सारी चीजें प्रकृति तो बनी है, पांच तत्वों से बना हुआ लैपटॉप, ये फोन, लाइट, इवन ये शरीर, इसको भी हम दास बना सकते हैं अपना, या तो ये शरीर हमें कंट्रोल कर रहा हो, यहाँ पे मुहासा आ गया, झुर्रियाँ आ गई, आपका मूड ऑफ हो गया, किसने कंट्रोल किया आपको? आपकी, आपका कद थोड़ा कम हो गया, आपके किसी भाई बहन का शरीर थोड़ा ज्यादा खूबसूरत हो गया, आपका मूड ऑफ या जेलस हो गया आप, ये क्या चीजें हैं? ये है मैटर जो है, पांच तत्व हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं आपके माइंड को। अगर ऐसा ही होता रहा, किसी और को देख करके आपको ईर्ष्या हुई, अगर आपको ये हुआ कि नहीं मेरे को उनके जैसा बनना है, तो फिर आप इस दुनिया में आकर के जो अपना पार्ट प्ले करना था, एक्चुअल रोल जो आपको मिला हुआ था, वो आप अदा नहीं कर पाओगे, और इसलिए आप कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाओगे। ये परमात्मा के वचन है। तो अगर हमें संतुष्ट होना है, तो हमें औरों से तुलना करना बिल्कुल जीरो कर देना है, तब जाके पता चलेगा कि हम यह करने क्या आए हैं इस दुनिया में, हमारा रोल क्या है एक्चुअली। नहीं तो हम औरों को कॉपी करते रह जाते हैं, औरों को जैसे बनने की कोशिश करते हैं, और वहीं पर हम खत्म हो जाते हैं। खत्म मतलब हमारा अस्तित्व, रियलिटी खत्म हो जाती है। तब लोग कहते हैं अरे आप तो उनके जैसे सुनाई देते हो, या आप तो उनके जैसे एक्ट करते हो, आप तो उनके जैसे बोलते हो। अगर आपने ये सुना है, इसका मतलब आपके अंदर ओरिजिनलिटी नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं हमें आज, कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती, मतलब किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं हो सकती, किसी सेल्वेशन पे, वस्तुओं पे, साधनों पर, किसी से कुछ मुझे मिले तब जाके मैं आगे बढ़ूं, इन चीजों पे वो डिपेंडेंट नहीं होती हैं, वो इंडिपेंडेंट होती हैं। इस कारण से वो जो संकल्प करते हैं कि ये शायद से इस चीज की जरूरत हो सकती है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज उनके पास में आ जाती है, उनको ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है, उनको बल नहीं लगाना पड़ता, मैनिपुलेशन नहीं करना पड़ता उनको। फिर परमात्मा पिता कहते हैं, आप ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो, ब्राह्मण मतलब जो कि योगी हैं, जो कि पांच तत्वों से अपने आप को डिटैच करने की विद्या रखते हैं अपने पास में, वही होगी ब्राह्मण आत्माएं। ब्रह्म कुमारीज में ये सिखाया जाता है हमें, ये विद्या। फिर परमात्मा कहते हैं, प्रकृति आप मालिकों की दासी है, इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सेल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित ना कर
सकते हैं और ना कर लें, कहीं कर ना लें ये प्रभावित। लाइट चली गई, सपोज ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, और मूड ऑफ हो गया, मतलब किसने प्रभाव किया, किसके प्रभाव में आ गई मैं आत्मा। ये एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं आपको। इसी तरीके से परमात्मा कहते हैं, साधन साधना का आधार ना हो, ये चीजें जो हैं इससे हमें साधना ना हो हमारी, इनके ऊपर डिपेंडेंट ना हो हमारी कि गर्म पानी मिलेगा तो जाकर के मेडिटेशन होगी, अच्छे से ना पाएंगे तब होगा कुछ होगा। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें, अगर आज इंटरनेट नहीं है तो मेरा काम नहीं हो सकता, आज मूड ऑफ हो गया, आज बोरिंग लग रहा है पूरा दिन, ये कोई योगी नहीं कह सकता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि साधन साधना का आधार ना हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। मतलब कि आपके अंदर इतनी ताकत हो कि आप संकल्पों के द्वारा इतने संतुष्ट हैं, आपको कुछ चाहिए नहीं है। जिस आत्मा कुछ नहीं चाहिए होता उसके पास में सब कुछ होता है, और जिस आत्मा कुछ सब कुछ चाहिए होता है उसके पास में कुछ नहीं होता है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है उन चीजों को पाने के लिए। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है, ये कौन सी शक्ति की बात करी जा रही है, जिसको कहते हैं माइंड ओवर मैटर, जिसको कहते हैं कि मन जो है वो पांच तत्वों के ऊपर राज करता है। तो ये राज और राज्य ये क्या है, ये राज आप पहचान सकते हैं जब आप ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में आकर के हर दिन एक घंटा अपना टाइम निकाल करके स्पिरिचुअल ज्ञान देंगे। इसके साथ ओम शांति।